12 और 13 फरवरी को हमें आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन होते हुए नजर आने वाला है। और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने पुराने खिलाड़ियों के नाम रिवील किए हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम हमें दोबारा से इस मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। तो उन सभी खिलाड़ियों के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम हमें दोबारा से इस मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें इंक्लूड करते हुए नजर आने वाली है। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े खिलाड़ी की जिसे मुंबई इंडियंस की टीम दोबारा से हमें खरीदते हुए नजर आने वाली है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम से बाहर कर दिया था, लेकिन अब ईशान किशन हमें मेगा ऑक्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आने वाले है। और ज्यादा चांसेस है कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम इस मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। मुंबई इंडियंस की टीम ईशान किशन के ऊपर हमें 10 से 12 करोड़ रुपए भी इस मेगा ऑक्शन में लगाते हुए नजर आने वाली है। तो ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम हमें दोबारा से इस मेगा ऑक्शन में से परचेज करके अपनी टीम का हिस्सा में बनाते हुए नजर आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे मुंबई इंडियंस की टीम के पुराने खिलाड़ी की जिसे मुंबई इंडियंस की टीम हमें दोबारा से इस मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। उस खिलाड़ी का नाम है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक को भी मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम से बाहर कर दिया था, लेकिन क्विंटन डिकॉक काफी अच्छा प्रदर्शन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहे हैं। और डिकॉक ने काफी अच्छा प्रदर्शन इंडिया और जो अफ्रीका की वनडे सीरीज थी उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन क्विंटन डिकॉक ने अपने बल्ले से किया था। तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम क्विंटन डिकॉक को दोबारा से इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में हमें इंक्लूड करते हुए नजर आने वाली है। और आईपीएल में भी अच्छे प्रदर्शन करते हैं क्विंटन डिकॉक। हमने देखा कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से 2-3 सालों से काफी अच्छा प्रदर्शन क्विंटन डिकॉक कर रहे हैं। तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम क्विंटन डिकॉक को भी इस मेगा ऑक्शन में वापस से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के तीसरे पुराने खिलाड़ी की जिसे मुंबई इंडियंस की टीम वापस से हमें इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। उस खिलाड़ी का नाम है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट को भी मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम से रिलीज कर दिया है और ट्रेंट बोल्ट भी मेगा ऑक्शन के हिस्सा में बनते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि काफी मुश्किल रहने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम को ट्रेंट बोल्ट को इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में शामिल करना, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम कि ट्रेंट बोल्ट को एमआई की टीम जल्द से जल्द और इस मेगा ऑक्शन में कम से कम कीमत में इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर ले। लेकिन टारगेट तो जरूर करने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज को। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम खरीद पाएंगी या फिर नहीं ट्रेंट बोल्ट को इस मेगा ऑक्शन में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताओ। चलिए बात कर लेते हैं इस लिस्ट के चौथे और आखिरी खिलाड़ी के जिसे मुंबई इंडियंस की टीम हमें खरीदते हुए नजर आने वाली आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। उस खिलाड़ी का नाम है नेथन कुल्टरनाइल। नेथन कुल्टरनाइल को भी इस टीम ने अपनी टीम से बाहर कर दिया है और नेथन कुल्टरनाइल को हमें दोबारा से मुंबई इंडियंस की टीम इस मेगा ऑक्शन में खरीदते हुए नजर आने वाली है। और नेथन कुल्टरनाइल ने भी अपना नाम रजिस्टर करवा लिया आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए। और नेथन कुल्टरनाइल की 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस है। तो मुंबई इंडियंस की टीम बड़ी आसानी से नेथन कुल्टरनाइल को भी इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपने टीम में हमें इंक्लूड करते हुए नजर आने वाली है। और ज्यादा टीमें भी नई बिडिंग करने वाली है नेथन कुल्टरनाइल पर इस मेगा ऑक्शन में। तो मुंबई इंडियंस की टीम बड़ी आसानी से नेथन कुल्टरनाइल को इस मेगा ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम को इन 4 खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को खरीदना चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।